मले इसलिए। और इसका हम चेहरा देख सकते हैं, ये रो रही है, बना नहीं रही है। झूठ माय नेम इज़ अंकुश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर श्रीवास्तव। सो फाइनली मैं आ गया हूँ अहमदाबाद स्टेशन। हाँ, तो इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि भाई मैं फाइनली अब जा रहा हूँ 6 महीने बाद अपने घर, यानी कि आरा 6 महीने बाद घर जा रहा हूँ। वो भी कैसे, तबीयत थोड़ी ख़राब है, माफ़ करना। कैसे ये मतलब हुआ है, छुट्टी कैसे मिली है, और इस बात की ना मुझे इतनी खुशी मजेदार की बात ये है ना कि भाई किसी को पता ही नहीं है मैं आ रहा हूँ। मैं गजब टूबीवाज आदमी हूँ, लेकिन एक पर्सन को पता है कि मैं आ रहा हूँ, और वो पर्सन कौन होगा ये आपको वीडियो के लास्ट में एकदम जाके देखना पड़ेगा। इस वीडियो में सबसे स्पेशल पता है क्या आने वाला है कि जैसे ही मैं मम्मी से मिलूंगा ना, मम्मी का रिएक्शन देखना है मुझे। तो देखते हैं कि 6 महीने बाद अगर उनसे मिलता हूँ तो कैसा उनका रिएक्शन होता है। बाकी आपको मैं वीडियो एकदम स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, जब मैं रूम से निकला था तब का, तो वहाँ से वीडियो स्टार्ट होगा। तो चलो चलते हैं। सो आ गए, तो अभी हो रहा है टाइम 8:30 और 9 बजे ऑफिस पहुँचने का टाइम है। अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, देखते हैं रास्ते में कुछ मिलेगा तो खाएंगे। अभी पैकिंग कर रहा हूँ कि देखो ये ऑलरेडी भर चुका है, ये एक होगा मेरा लगेज और एक होगा मेरा हैंड बैग, और अभी तक ये मेरे नए नवेले जूते बाकी हैं रखने। सोच रहा हूँ कहाँ पर रखूँ, ये देखो ऑलरेडी ओवरलोडेड हो गया, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों लगेज रेडी हो गया, अब बस निकलने वाला हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:21, तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से निकलते हैं। जी में प्रॉब्लम ये है ना कि ये लिफ्ट बंद है और मैं रहता हूँ 4th फ्लोर पे, और ये भारी लगेज, घर से आते टाइम भी हालत पंचर हो जाता है, घर जाते टाइम भी हालत पंचर हो जाता है। और हालत पंचर हो गया, सांस ले लेता हूँ। रैपिडो बुक किया मैंने, जल्दी आएगा तो रैपिडो पे बैठ के निकलेंगे। चलो रैपिडो आ गया है और निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। बाय बाय पीजी। तो एवरीवन, अभी सुबह के 6:05 बज रहे हैं, और सॉरी आते टाइम ऑफिस का नहीं खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में था। फिलहाल अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मेरा ड्यूटी टाइम ख़त्म, और आज है शनिवार, ये है मेरा ऑफिस। टाइम पे काका मिल गए तो सही था, नहीं तो भाई उतना अभी तो ऑटो ऑटो भी कुछ नहीं मिल रहा था, देख रहा था। तो अंदर जाके बैठते, 5-10 मिनट वेट करेंगे, चलते सीधा रेलवे स्टेशन। ये देखो 8 नंबर की जो बस है वो 7 मिनट में आ रही है, बस इसी बस से जाना है 8 मिनट में। एक्चुअली अभी सुबह सुबह एक कांड हो गया कि मुझे जाना था 8 नंबर वाली बस में, बट एक्साइटेड इतना हूँ कि 11 नंबर वाली में चढ़ गया। वैसे एक्चुअली इसमें मुझे भी गलती नहीं है, क्योंकि हमेशा रोज़ 8 नंबर वाली ही बस सबसे पहले आती है, तो मुझे लगा भाई यही होगा, नंबर भी ना देखे मैं चढ़ गया। तो अभी पता चला कि ये कालूपुर रेलवे स्टेशन में जाती है, मुझे दूसरा जगह फिर उतर के तब कालूपुर के लिए बस लेना पड़ेगा। कोई नहीं, घर जाने की खुशी है। अहमदाबाद स्टेशन, तो पीछे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। अभी मैं जाऊँगा, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होगा ब्रेकफास्ट में, क्यों मिले। भूख तो बहुत जोर से लगी और नींद बहुत जोर से आ रही है, कि नाइट शिफ्ट में ये दिक्कत है। गरम फाफड़ा और इसमें से लूँगा मैं दाल वड़ा, देख लो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो अभी यही होगा ब्रेकफास्ट। आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, जिस पे मेरी ट्रेन आने वाली है, ये नहीं है आने वाली है, दूसरी आने वाली है। मैं डायरेक्टली ऑफिस से यहाँ पे आ गया, क्योंकि घर जा के फिर वापस आना थोड़ा ठीक है, लेकिन 2 घंटे बाद ट्रेन आने वाली है, वो भी सीन है। कोई नहीं, इंतज़ार कर लेंगे, तब तक सो जाता, सोने को मिल जाता तो मज़ा आता था। लेकिन भाई ये लगेज कैसे सो सकते हैं। बाकी स्ट्रगल देखा आपने, कैसा लगा स्ट्रगल आपको कमेंट में बता देना। सो ये देख लो,
ये है अपना कुछ और ये है अपना सीट ऊपर का। चाय 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 भाई, फेस्टिवल के टाइम पे पूरा कचाकच भरा हुआ है। और अपना सामान पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अपना सिटी है अच्छा है, साइड अपर में ही चाहिए तब मिल गया, अच्छा डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। अपना सामान सेट हो गया नीचे और ये अपना बैग, और आराम से ऊपर सो जाना। ट्रेन का टाइम खुलने का 9:10 में था और ये ट्रेन खुल रही है 9:18 में। समझ नहीं आया ये, मतलब यहाँ से ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो पहले आके पहले एकदम टाइम पर खुलना चाहिए। और भाई ट्रेन में इतनी गंद मची है क्या बताऊँ। उठते हुए ट्रेन खुल चुकी है और मैं करीबन 15-16 घंटे से सोया नहीं हूँ, नाइट शिफ्ट करके अभी निकला हूँ। 6 बजे ऑफिस से निकला था तो अभी बहुत जोर से नींद आ रही है, तो मैं अब जाऊँगा सीधा सोने, उठूँगा तब उसके बाद आपको दिखाऊँगा मैं कहाँ पहुँचा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए अहमदाबाद को बोलते हैं बाय बाय। वेलकम बैक एवरीवन। 10 बजे सोया था और अभी 5 बजने वाले हैं, गजब का नींद आया। लेकिन यार हर बार जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम होता है ना कि लोग एकदम जोर जोर से गाना बजाते हैं, और हर बार ऐसा होता है कि मेरे आसपास बच्चे होते ही होते हैं और वो उनका रोना स्टार्ट हो जाता है। खैर बीच में नींद टूटा लेकिन इस बार नींद थोड़ा अच्छा आया, और भाई तबीयत तो और ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, होते जा रही है पता नहीं क्यों दवा खाने के बावजूद। खैर अभी थोड़ा फ्रेश होऊंगा, और खाने के लिए मैंने डीमार्ट से चिप्स वगैरह बिस्किट भी है, क्या लाया वो दिखाता हूँ थोड़ा पहले। चलो मिलते हैं। का अपना लंच, लेट वाला लंच आज का, अपना लेट वाला लंच ही होगा, नाचो चिप्स राबड़ी। ट्रेन खुली है और भाई मौसम देखो बस, ओह हवा जो चल रहा है ना बहुत मस्त, मौसम देखो। इतना कॉलम बाकी है, कितने दिन के बाद ट्रेन में ऐसा मौसम देखने को मिला है। थोड़ा हल्के हल्के बारिश भी हो जाए तो मज़ा आ जाता। अपने टाउन यानी आरा जंक्शन, आरा जिला गढ़वा कौन बात कर रहा है। भाई बहुत ज़्यादा ही ये जर्नी ख़राब थी, मतलब कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, जैसे कि मैं बनारस स्टेशन पे उतरा था क्योंकि बनारस से मुझे एक और ट्रेन चेंज करना था, तो वहाँ से देखा क्योंकि भाई मतलब मेरा ट्रेन आया और दूसरा ट्रेन मैं पकड़ने एक मिनट की देरी और थी तो ट्रेन छूट जाता, तो कैसे भी करके वैसे आ तो गया आरा जंक्शन में। और जो पर्सन को पता था ये वो पर्सन है, पीछे से आप समझ जाओ, गेस कर सकते हो कौन है, बहुत सारे वीडियो में आए हुए हैं, बाकी घर पे जाके पर रिवील तो कर दूंगा कौन है ये, जिसको पता था कि मैं आ रहा हूँ। चलो घर पे चलते सीधा। चॉकलेट खाती रोते रहे ना, ना वो चॉकलेट खाती रोत रहे। तो इवेंचुअली 6 महीने बाद मैं यहाँ आरा में आपके समक्ष, और मेरा सरप्राइज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, खुशी का मतलब ठिकाना नहीं,
जो बेटा कह रहा था कि छुट्टी नहीं मिल रहा है मम्मी को बहुत दिल दुख रहा था। अचानक मतलब आ जाने से बेटा को सरप्राइज मिलने से बहुत खुशी हुई। और एक वादा किए थे कि अहमदाबाद अगर जा रहे तो जॉब लेके आएंगे, जॉब लेके आए, ऐसे तो आए नहीं। हाँ ये भी है, आप कहे थे कि जब भी जॉब होगा मेरा तभी आ आएंगे, वो अपना वादा आपने पूरा किया। लेकिन ये चेहरे पर खुशी नहीं दिख रहा है मेरे आने का ना, नहीं खुशी आने का दिख नहीं रहा है, झूठ बोल रही है। खुशी है, बहुत खुशी का, अब माँ का खुशी का कोई ठिकाना कोई नहीं लगा सकता है। बेटा उसके पास जो दूर जाता है अपना कलेजा का टुकड़ा दूर रखती है, माँ ही जानती है। उसके पास जो बेटा आ जाता है कितना खुशी, उसका सारा दुनिया जहान उसको मिल जाता है। सो अब कुछ चेंज लगा 6 महीना पहले और अभी में क्या चेंजेस है? कुछ चेंज है कि आप बहुत दुबले हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मैं बदला हो गया? बहुत दुबले हो गए हैं, आप तो अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसा लगता है आपको? हाँ। स्मार्ट नहीं लगता मैं? स्मार्ट लगता है लेकिन आप बहुत पहले से बहुत दुबले हो गए हैं। क्या माँ के खाना पड़ रहा है को वहाँ पे नहीं, इसलिए तो फाइनली अभी मतलब कल की ट्रेन है, अगर एक दिन और छुट्टी मिल जाती तो 3-4 दिन और रुक जाते, लेकिन तो उनका भाव जान लिए हैं। और अब बारी है रिवील करने का कि किस बंदे को पता था मैं आ रहा हूँ। तो वो बंदा है ये, तो वो पर्सन ये है। हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? ये गाइस आने वाला तो मुझे पता था गाइस। और बताओ गाइस, अभी जाने वाला भी है गाइस, लेकिन ये वीडियो बहुत लेट बनाया क्योंकि इसको टाइम नहीं था गाइस, और आज ही जाने वाला हो गाइस, सॉरी गाइस। और वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, थैंक यू गाइस। चलो तो रिवील हो गया, तो अब वीडियो को जल्दी एडिट करते हैं, लंबा ना हो। सो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही अगर नए हो तो बाय गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय माता।